चंदौली में मुनीब को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड शातिर अभियुक्तों को 79,000 के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को सदर कस्बा में चीनी व्यापारी संजीव कुमार की मुनीब से 79,000 रुपए और गोली मारकर लूट को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड पड़ोसी विकास पासवान व शिव कुमार मिश्रा को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक विकास पासवान द्वारा घटना से संबंध में नाम बताया गया, जिसमें शिव कुमार मिश्रा उर्फ शिवम पुत्र प्रेम शंकर मिश्रा निवासी मसोनी थाना चंदौली, दूसरे अभियुक्त योगेश कुमार मिश्रा उर्फ नारद पुत्र राम आशीष मिश्रा निवासी मसोनी थाना चंदौली, अश्वनी कुमार मिश्रा पुत्र स्वर्गीय दीनदयाल मिश्रा निवासी वार्ड नंबर 12 गौतम नगर थाना चंदौली का नाम बताया गया। इस संबंध में विकास पासवान ने बताया कि पूरी योजना के अनुसार हम चारों नवी पुलिया पर लूट के पश्चात मिले थे तथा अश्वनी मिश्रा लूट का पैसा बैग सहित मुझे दिया और उसने बताया कि मुनीब द्वारा बैग न छोड़ने पर मैंने उसके पैर में गोली मारकर बैग छीन लिया तथा लूट का पैसा मुझे घर पर रखने के लिए दिया गया। नजदीक घर होने के कारण कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। इसके बाद वहां से हम सभी अलग अलग स्थान पर चले गए। इस संबंध में विकास द्वारा बताया गया कि अभियुक्त शिव कुमार मिश्रा द्वारा पूछताछ पर घटना को स्वीकार किया गया और अभियुक्त गण द्वारा उपरोक्त का नाम बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त में विकास कुमार पासवान 32 वर्ष और शिव कुमार मिश्रा 22 वर्ष को जेल भेजने की कार्यवाही की गई और उनके पास से 79,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। इस संबंध में अपर पुलिस निरीक्षक प्रेमचंद्र ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास पहले से ही रहा है, जिसके अंतर्गत 2015 में अलीनगर थाना अंतर्गत, 2016 में सकलडीहा थाना अंतर्गत, साथ ही अन्य मामलों में कुल 9 अपराध के लिए मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी के लिए काम करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंदौली गोपाल गुप्ता, निरीक्षक सत्येंद्र यादव, स्वाट टीम प्रभारी उप निरीक्षक राघवेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल अमित राय एवं कांस्टेबल दीपक प्रजापति सम्मिलित थे। कुछ तो कर लिया कि टीम है क्या तुम्हारे बाजार की।